स्मिता पटेल ने महज 12 साल की उम्र में बतौर बाल कलाकार अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने हिंदी, मराठी, गुजराती, मलयालम सहित करीब 80 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। वहीं स्मिता ने करियर शुरू करने के महज 4 सालों में ही अपना पहला नेशनल अवार्ड जीत लिया था। उन्हें साल 1977 में फिल्म भूमिका के लिए नेशनल अवार्ड मिला। इसके 3 साल बाद फिर स्मिता को फिल्म चक्र के लिए नेशनल अवार्ड मिला। वहीं वो फिल्म फेयर अवार्ड भी अपने नाम कर चुकी है। साल 1985 में स्मिता को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। आपको बता दें कि स्मिता के निधन के बाद भी उनकी 15 से ज़्यादा फिल्में रिलीज हुई थी, ये बात कम लोग ही जानते हैं। स्मिता पटेल की जीवनी लिखने वाली फेमस राइटर मैथिली राव ने एक इंटरव्यू में बताया था कि स्मिता को वायरल इन्फेक्शन की वजह से ब्रेन इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से उनका निधन हुआ। वही स्मिता अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफ़ी चर्चा में रही है। उन्हें काफ़ी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा था। यही नहीं, एक्ट्रेस पर एक शादीशुदा एक्टर का घर तोड़ने का आरोप भी लग चुका है। दरअसल स्मिता और बॉलीवुड एक्टर राज बब्बर संग उनका नाम काफ़ी चर्चा में रहा था। उस वक्त राज शादीशुदा थे, इसी वजह से सबके सामने आई थी स्मिता को काफ़ी आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा था। बात यहाँ तक बढ़ गई थी कि राज के घर वालों ने उन्हें परिवार या फिर स्मिता में से किसी एक को चुनने को कहा। इसके बाद राज ने नादिरा को छोड़कर स्मिता को चुना और वो उनके साथ रहने चले गए। स्मिता और राज उस दौर में लिव इन में रहते थे। बाद में दोनों ने शादी कर ली। राज बब्बर के 2 बेटे हैं, एक उनकी पहली पत्नी नादिरा से आर्या बब्बर और स्मिता से प्रतीक बब्बर। स्मिता पटेल की मौत के बाद उनके मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावन ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया था। दीपक ने बताया था कि मरने से पहले स्मिता पटेल का करती थी कि दीपक, जब मैं मर जाऊंगी तो मुझे सुहागन की तरह तैयार करना। मृत्यु के बाद अंतिम इच्छा के मुताबिक स्मिता को सुहागन की तरह सजाया गया। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।